यार मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या बोल करके स्टार्ट करना चाहिए। अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें हो रही है। लास्ट ईयर सभी को याद होगा यार, जेई 2021 में बहुत सारे स्कैंडल्स हुए थे। टेस्ट सेंटर के साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिले हुए थे जहां पर आंसर्स बताते थे, है ना, एकदम से रैपिड परसेंटाइल जो है वो बढ़ जाता था। जिनका मार्च में एकदम कम परसेंटाइल था उनका जुलाई अटेम्प्ट अगस्त अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स आ रखे थे। फिर एनटीए ने बहुत भाई मेजर्स लिए थे, ठीक है, बहुत सारे। इस बार तो भाई एडमिट कार्ड भी लेट से पब्लिश किया, पहले एंटीमेशन स्लिप वगैरह डाली। आज 8 अगस्त को जेई मेन 2022 का यार रिजल्ट आया, जहां पर जून की परसेंटाइल भी लिखी है, जुलाई का परसेंटाइल भी लिखा है, जनरल रैंक भी लिखा है और कैटेगरी रैंक भी लिखा है अगर तुम किसी कैटेगरी के हो तो। जब से रिजल्ट आया है पूरा कमेंट सेक्शन, सिर्फ मेरे चैनल का नहीं, हर एक चैनल का मैं देख रहा हूं, हर जगह मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे यार आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनका बोलना है कि भैया जी हमारा जुलाई में ज्यादा मार्क्स था फिर भी हमारा कम परसेंटाइल बना है, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे, डिफिकल्ट शिफ्ट था, जून के कंपैरिजन में डिफिकल्ट शिफ्ट था, ज्यादा मार्क्स आए हैं स्टिल कम परसेंटाइल बनी, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोग ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, अभी जाकर के ट्विटर खोलोगे तो सबसे ट्रेंडिंग में जेई मेंस 2022 है। सबसे पहले कुछ प्रूफ दिखाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं यार एनटीए को, ठीक है। जब से जेई मेंस 2022 की बात छिड़ी थी तब से हम लोग परेशान हो रखे हैं। पिछले दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर से हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि ऑफिशियली दिसंबर में ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिलीज होता है कि भाई दिसंबर भर एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, जनवरी एंड में एग्जामिनेशन होगा। हम दिसंबर वेट किए, हम जनवरी वेट किए, हम फेबरी वेट किए, कुछ पता नहीं चला, हम पीछे पड़े रहे लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मार्च में जाकर के वो बोलते हैं कि पेपर जो है वो तुम्हारा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल और मई में तुम्हारा पेपर होगा, और पेपर के 10 से 12 दिन पहले वो पेपर को रीशेड्यूल कर देते एकदम क्लोज आकर के कि भैया तुम्हारा पेपर जो है वो जून और जुलाई को होगा। चलो ये ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेपर पास आने लगता है, जब 2 हफ्ता बचा होता है, 2 हफ्ता 10 दिन, हम एक्सपेक्ट करते कि एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आता। 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे है, पेपर परसों है और ये एडमिट कार्ड आज रिलीज कर रहे हैं। इंटीमेशन स्लिप में जो इनका सेंटर देते हैं कुछ बच्चों को, एडमिट कार्ड में वो चीज चेंज हो जाती है। इंटीमेशन स्लिप में जो सेंटर आया था, कई लोग का एडमिट कार्ड में दूसरा सेंटर है, कई लोग का सेंटर का फोर्थ प्रेफरेंस है, कई लोग के सेंटर में जो प्रेफरेंस में नहीं भरे थे वो सेंटर आया हुआ है, 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर सेंटर आया हुआ है। लेकिन इन छोटी छोटी तकलीफों को कौन समझेगा, नहीं पता। इसके बाद अपना अपन जेई मेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं, देने जाते हैं तो भैया पहले तो ये टेस्ट सेंटर्स हुआ करते थे, अब आजकल हर कॉलेज में इन्होंने इनको वो टेस्ट सेंटर बना रखा है। अब उन टेस्ट सेंटर में किसी कंप्यूटर में टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी के में क्लॉक नहीं दिखा रही, किसी में कुछ सेक्शन में क्वेश्चन मिसिंग है, किसी में कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, किसी माउस काम नहीं कर रहा है, पूरा एकदम थर्ड क्लास लेवल का यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। वो हो गया। उसके बाद कुछ ही बच्चों को जस्टिस जो मेल डाल रहे, मेल कई लोग डाल रहे, कुछ ही लोग को ये लोग, इन लोग पता नहीं कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि भाई हम लोग इतने लोग को आइडेंटिफाई करें कि यही लोग हैं जो सफर करें तो इनको हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रहे हैं, बाकी लोग को तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया भाई, तुमने कॉल में सेंटर में क्या तो कॉल करे पूछे क्या इस बच्चे के साथ दिक्कत हुई थी कि नहीं, पता नहीं कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, नो ट्रांसपेरेंसी। सेम चीज अब सेकेंड अटेम्प्ट में होती है, और जब रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट आता है कि भैया हमारा तो बेटर मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बन रही है, जबकि काफी डिफरेंस है मार्क्स में, 80 मार्क्स और 130 मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है। और ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेई मेन्स कंडक्ट करा रही है एक ऐसा एग्जामिनेशन जिससे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, NIT, IIIT मिल रहे होते हैं, जहां से बड़े बड़े इंजीनियर्स निकल रहे होते हैं, जहां से बड़े बड़े कंपनीज के CEOs बनने वाले हैं, जहां की प्लेसमेंट इतनी फाड़ू है क्या बताऊं मैं, ठीक है। जब नीट की बारी आती तब ये ऑफलाइन हो जाते हैं, तब ये वन टाइम एग्जामिनेशन हो जाता है, तब वहां मार्क्स डिस्प्ले किया जाता है, तब वहां कोई परसेंटाइल नहीं होता है, तब डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है तो भैया इंजीनियर्स भी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन को कचरा बना दिया है, एकदम कचरा बना दिया, कुछ लेवल नहीं बचा इस एग्जामिनेशन का। एक समय पे 13-14 लाख कैंडिडेट जेई मेन 2013 में दिया करते थे पेपर, आज वो घट के सेकंड सेशन में सिर्फ 6 लाख बच्चों ने जेई मेन का एग्जामिनेशन दिया है, और नीट आज भी 16-17 लाख
रजिस्ट्रेशन ले रहा है। अब यार थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आता हूं, एक स्टूडेंट ने मेरे को ये दो इमेज भेजे, मुझे नहीं पता ये इमेज सही है नहीं है, देख करके तो सही लग रहा है, बट अगर ऐसा है और ऐसा ही होगा तभी तो बहुत लोग अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने परसेंटाइल से सेटिस्फाइड नहीं है जुलाई वाले। जरा ये रिजल्ट मैं तुमको दिखाता हूं, तुम्हारे स्क्रीन में देखना, एप्लीकेशन नंबर 039 से एंड हो रहा है। अब भैया जी ये बच्चे का सेशन वन में परसेंटाइल है, फिजिक्स में 43, केमिस्ट्री में 46, मैथमेटिक्स में 41, टोटल इसकी परसेंटाइल है 37.89 जून में। और मैं बता दूं जून और जुलाई में सिर्फ 25 दिन का गैप था। सेकेंड सेशन में इसकी फिजिक्स की परसेंटाइल है 98.92, 99.50, केमिस्ट्री में और मैथ्स में 99.93, टोटल 99.84, यानी कि इसने 37.8 से 99.8 में जंप लगाया है सिर्फ 20 से 25 दिनों में। कौन सी कोचिंग होती है भैया ऐसी, हमारा भी हो जाता है एडमिशन तो आज हम भी तो भैया एक बहुत तगड़े कॉलेज में होते, कहां होती है ऐसी पढ़ाई। और ऊपर देख सकते हो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2022, ये पूरा रिजल्ट था, मैंने क्रॉप किया हुआ है, यहां पर नीचे साइन भी है डायरेक्टर का, तो मुझे तो ये सही लग रहा है। एक और रिजल्ट है वो शेयर कर रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर खत्म होता है 026 से। भैया जी इनका फिजिक्स में परसेंटाइल पहले था 37, केमिस्ट्री में 11, मैथमेटिक्स में 10, ओवरऑल परसेंटाइल आई थी 7 और सेशन 2 में 95, 93, 97, ओवरऑल 96, 7 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल में जंप कर दिए भाई साहब 25 दिनों में। कहां हो रही है भैया ऐसी पढ़ाई। और इसी वजह से, अगर ये सच है नहीं है मुझे नहीं पता, इसी वजह से कई लोग अपने परसेंटाइल से सेटिस्फाइड नहीं है। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जेई एडवांस का एग्जामिनेशन फॉरेन कंट्रीज वाले सॉल्व करते हैं, इस ये लेवल है पेपर का। और उसकी स्क्रीनिंग जो होती है जेई मेन जिसको हम बोलते हैं, जिसे एनआईटीज मिलती है, जिसके लिए जिसके थ्रू कई लोगों का आईआईटी का एग्जामिनेशन होना है अभी जेई एडवांस, उसमें ये सब चल रहे हैं। अगर तुम एनटीए को वाकई से बचना, अगर एनटीए बोलता है कि ये सब फ्रॉड है, अगर एनटीए बोलना चाहता है कि भाई ये सब फ्रॉड है, ये रिजल्ट फेक है, तो वो मार्क्स क्यों नहीं बताता, बता देता ना भाई कि तुमने जून में इस दिन इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया है, तेरे 300 में से इतने मार्क्स बने हैं और इतनी इतनी इतने तीनों मार्क्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बने हैं, उसके अकॉर्डिंग इतनी 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 परसेंटाइल आई है और इतना टोटल परसेंटाइल आया है। सेम चीज जुलाई में आया है और हम तुमको ओपनली बता रहे हैं कि भैया तेरे इतने मार्क्स थे, तेरे इतने मार्क्स थे। मार्क्स बताने से क्यों डरते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मार्क्स तो काउंट करके बता सकते हो ना, रखो ना भाई तुम परसेंटाइल सिस्टम, रखो परसेंटाइल सिस्टम, अपना नॉर्मलाइजेशन भी रखो। नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन आज तक नहीं समझ में आया और मैं समझना भी नहीं चाहता हूं। बस मेरे को मार्क्स क्यों नहीं डिस्प्ले होते हैं आंसर में, ये मुझे जानना है रिजल्ट में कि भाई परसेंटाइल के साथ मार्क्स बता दो ना। ठीक है हम कंपेयर नहीं करेंगे दूसरे बच्चे से, पता तो चले उस शिफ्ट में कितने मार्क्स पे उतनी परसेंटाइल बनी है जो तुम डिस्प्ले कर रहे हो। नो ट्रांसपेरेंसी। ऐसे में यार मैं तो फुल सपोर्ट करता हूं स्टूडेंट्स का, मैं इस चीज को ट्विटर पे भी डालने वाला हूं, मैं इस रिजल्ट को एनटीए को मेल भी करने वाला हूं। अब यार तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, जिनको ऐसा लगता है कि जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल, इस चीज को शेयर करो यार, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में को एक बार बताना कि यार वाकई तुमको लगता है ये सब चीजें अभी भी हो रही है, कि ये मैंने जो दिखाया वो फेक है, बिकॉज मुझे भी कहीं से प्राप्त हुआ है, मैं तुम्हारे सामने ये फॉरवर्ड कर रहा हूं, लास्ट ईयर ये हुआ है इसलिए मेरे को विश्वास करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तो एक बार मैं गुजारिश करूंगा यार इसको शेयर कर दो जितना भी हो सकता है सर्कल में, एनटीए को डालो मेल भर दो और जितना हो सकता है उनको कॉल करो और ये सब बताओ कि ये सब हो रहा है। जो अनसेटिस्फाइड है नॉट सेटिस्फाइड है इतना तो अपने लिए कर ही सकते हो, तो सपोर्ट करो। और हाँ इतना बोलूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं हर तरीके से ट्राई करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। अभी आगे काउंसलिंग भी आने वाली, उसमें भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं भैया एक बार टोटल यूनिक कैंडिडेट्स बता दो कितने कितने, वो सब भी आ रहा होगा वीडियो, और परसेंटाइल और रैंक क्या रही वो भी बता रहा हूँ। हालांकि ये सब देखने के बाद क्या परसेंटाइल वर्सेस क्या रैंक्स, बट ठीक है वो वीडियो भी आ रही होगी, लेकिन इस चीज़ को यार शेयर कर दो और मेरे को बताना कि ये चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब ये चीज़ तुमको सही लग रही है कि नहीं लग रही है। थैंक यू सो मच।